हेलो स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस. देन टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑफ कोर्स बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, there are four types of branches of accounting. First one is financial accounting, then cost accounting, management accounting and social responsibility account. First, financial accounting. हम लोगों ने पहले भी किया है कि financial accounting का मतलब है सबसे पहले व्यावसायिक लेन देन को पहचानना, उसके बाद उसका वर्गीकरण करना, उसके बाद उसकी सारांश बनाना, फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए फाइनल अकाउंट्स तैयार करना और बिज़नेस की प्रॉफिटेबिलिटी को जानना और बिज़नेस की क्या उसकी एसेट्स और लायबिलिटीज़ और कैपिटल हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना. साथ ही साथ जो इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल हैं, उनको जो उनके यूज़र्स हैं, जो जितने भी यूज़र्स हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग को, उनको कम्युनिकेट कराना. देन योर नेक्स्ट इज कॉस्ट अकाउंटिंग. ये कॉस्ट अकाउंटिंग इज ऑल्सो रिलेटेड टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, देन क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट एंड विद द मोटिव टू नो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस एंड to reduce the cost, to minimize the cost is also the objective of cost accounting. मतलब जो cost accounting है उसका सबसे पहला काम है कि किसी product या services का निर्माण करते हुए उसकी cost को identify करना, पहचानना है, फिर उनका वर्गीकरण करना है, फिर उसका भी सारांश बनाना है और per unit cost कितनी आती है किसी भी product को या service को बनाने के लिए, उसको find out करना है. और इसका main objective होता है कि cost control करना है, कीमत को नियंत्रण में लेके आना है और minimize of the cost, और जो आप product बना रहे हैं उसकी cost को minimize करना है, कम से कम करना है. तो ये भी एक ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग है. द थर्ड वन इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग. देन मैनेजमेंट अकाउंटिंग मींस अकाउंटिंग को मैनेज करना. अब ये अकाउंटिंग कौन सी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग हमें कुछ डाटा प्रोवाइड्स करते हैं और वो डाटा जो होते हैं वो मैनेजमेंट यूज़ करता है. और मैनेजमेंट का काम ही क्या होता है, पॉलिसी फ्रेम करना, प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, स्टाफिंग करना, डायरेक्टिंग करना एंड कंट्रोलिंग करना. अब ये जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल होती हैं, उपलब्ध हैं, उन सभी इन्फॉर्मेशन को इस तरह से मैनेजमेंट जो प्रबंधक है वो यूज़ करते हैं, प्रयोग में लाते हैं, ताकि आने वाले सालों में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकें. तो ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ये हिस्टोरिकल डाटा को यूज़ करता है और ये जो हिस्टोरिकल डाटाज हैं दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग. फाइनेंशियल अकाउंटिंग मीन्स व्यवसायिक लेन देनों को व्यवसाय में रिकॉर्ड करना है. कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब प्रोडक्ट या सर्विस की कॉस्ट कितनी आ रही है. और मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो ये डाटाज फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोवाइड कर रहे हैं उसको मैनेजमेंट के द्वारा यूज़ करना है ताकि भविष्य में महत्वपूर्ण निर्णय बिजनेस में लिए जा सके. द नेक्स्ट वन इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग. अब दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड इट्स ऑल्सो न्यू कंसेप्ट इन अकाउंटिंग कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हमारा बिजनेस भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से, सामाजिक उत्तरदायित्व से अछूता नहीं है. तो यहाँ पे भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग मतलब जैसे, और आप लोगों को तो पता ही होगा कि अब कंपनीज के लिए अनिवार्य है कि अपनी इनकम का 2% जो है उनको सामाजिक भलाई के लिए प्रयोग में लेके आना है. तो उसका लेखा जोखा करना भी दैट इज़ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग. तो ये था ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग जिसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग आया. द नेक्स्ट वन इज बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंट्स को किस बेस पे तैयार किया जाता है. द फर्स्ट वन इज देयर आर थ्री बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. द फर्स्ट वन इज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग में जो अकाउंट्स है उसमें वो लेखा जोखा किया जाता है जो कैश में प्रदर्शित किया जा सके. जैसे आपने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा होगा उसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया होगा, और रिसिप्ट एंड पेमेंट में क्या आता है कि जो आपने कैश रिसीव किया उसको आप क्या रिसिप्ट साइड लिख देते हो और जो कैश पेड किया उसको पेमेंट साइड लिख देते हो. ठीक उसी प्रकार कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या करते हो, जो आपने एक्सपेंस को पे किया, जिसमें पैसा गया उसको आप नोट करते रहोगे, और जो आपने इनकम को कमाया, जो आपके पास
पैसा आया उसको आप नोट करते रहोगे, बाकी चीज़ों का लेन देन यहाँ पे नहीं रिकॉर्ड किया जाता है। दैट इज़ कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या है? अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है कि ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड एक्सपेंसिस वेदर यू पेड और नॉट एंड इनकम वेदर यू रिसीव और नॉट विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मतलब किसी पर्टिकुलर पीरियड में अगर आपका एक्सपेंस है वो चाहे आपने पे किया चाहे नहीं किया उसको आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नोट करेंगे, और अगर इनकम है चाहे आपको रिसीव हुई चाहे नहीं हुई उसको भी आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। जैसे कि सपोज़ आपका बिजनेस जो है एक रेंटेड अकोमोडेशन में चल रहा है और आपने आपका साल का जो रेंट बनता है वो 60,000 बनता है, मतलब पर मंथ जो है 5,000 बनता है। अब आपने क्या किया, 10 महीने का किराया दे दिया, तो मतलब 10 महीने का 50,000 आपने दे दिया और 10,000 रुपया अभी आपका पेंडिंग है और आपके फाइनेंशियल अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं 1 अप्रैल टू 31 मार्च चल रहा है, तो आपने मतलब जनवरी तक का किराया दे दिया है, फरवरी और मार्च का नहीं दिया है। जब अक्रूअल बेसिस आएगा आपने आपकी वो एक्सपेंसिस है बट यू हैव नॉट पेड, तो वो अक्रूड हो गई है पर वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड की जाएगी। इसी तरह अगर आपके पास कोई बिल्डिंग है और आपने उस बिल्डिंग को किराए पे दिया है और 10 महीने का किराया आपने रिसीव कर लिया लेकिन 2 महीने का किराया अभी तक आपने रिसीव नहीं किया है, मतलब कि अभी आपको वो मिलना है, तो आप तब भी उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। तो इसको कहते हैं अक्रूअल बेसिस, मीन्स एक्सपेंसिस पेड और नॉट विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड इनकम रिसीव्ड और नॉट विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जबकि कैश में क्या था, कैश अगर आपने 50,000 पे किया है तो आप 50,000 ही रिकॉर्ड करेंगे और अगर आपको 30,000 मिला है तो आप 30,000 ही रिकॉर्ड करेंगे, बाकी कोई लेना देना नहीं होता। एंड हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मींस मिक्सचर ऑफ कैश बेसिस एंड अक्रूअल बेसिस, मतलब कि ये कैश और अक्रूअल का मिक्सचर होता है। यहाँ पे कुछ आइटम्स जो हैं कैश बेसिस पे लिखी जाती हैं और कुछ आइटम अक्रूअल बेस पे लिखी जाती हैं, और यहाँ पे क्या होता है कि जो एक्सपेंसेस हैं वेदर पेड और नॉट, उसको पे किया है या नहीं किया है उसको आप अक्रूअल बेसिस पे लेके चलते हो, और इनकम जो आपने रिसीव की है उसको आप कैश बेसिस पे लेके चलते हो, यानी कि एक्सपेंसेस जो है वो अक्रूअल बेसिस पे और जो कैश और जो आपकी इनकम्स हैं वो कैश बेसिस पे रिकॉर्ड की जाती हैं। तो ये था आपका बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। द नेक्स्ट वन इज गैप। गैप को हम बोलते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। गैप जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट अकाउंटिंग इज़ अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट। तो अकाउंटिंग इज़ अ साइंस, हाउ, बिकॉज देर आर सम प्रिंसिपल्स एंड अकाउंटेंट हैव टू फॉलो दिस प्रिंसिपल इन ऑर्डर टू प्रिपेयर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। देन अब ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं, कैसे हैं, उनके बारे में हम इस लेक्चर में देखते हैं। जैसे फर्स्ट एजम्पशन, कुछ एजम्पशंस हैं, मतलब कुछ कंसेप्ट्स हैं, कुछ मान्यताएं हैं जिन मान्यताओं पे हमारा अकाउंट्स जो है वो टिका होता है। जैसे द फर्स्ट वन इज बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, अकाउंटिंग एंटिटी एजम्पशन, मतलब बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जो बिजनेस है और बिजनेस को जिसने शुरू किया है वो दोनों ही अलग अलग हैं। इसी एजम्पशंस के अकॉर्डिंगली आपकी जितनी भी एसेट्स हैं वो बिजनेसमैन की नहीं होती, वो किसकी होती है, बिजनेस की। और जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं, अगर जितना भी पैसा बिजनेसमैन ने लगाया है बिजनेस में उसको लाइबिलिटी साइड दिखाया जाता है, कैपिटल को भी लाइबिलिटी साइड दिखाया जाता है। और ये माना जाता है कि इन फ्यूचर जब भी बिजनेस जो है बिजनेस को इन फ्यूचर जो है ये पैसा जो बिजनेसमैन ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है वो वापस देना है। तो अकाउंटिंग एंटिटी एजम्पशन या बिजनेस एंटिटी एजम्पशन यही कहती है कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जो बिजनेस की प्रॉपर्टी है वो दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू बिजनेसमैन, और जो बिजनेसमैन की प्रॉपर्टी है दैट इज नॉट रिलेटेड टू बिजनेस। तो जो भी है बिजनेस और बिजनेसमैन के अलग अलग हैं, और बिजनेसमैन जो है बिजनेस में लगाई गई संपत्ति जो है बिजनेस की है, बिजनेसमैन की नहीं है। इसी कारण अगर बिजनेसमैन बिजनेस से कोई पैसा निकालता है तो उसको ड्रॉइंग्स कहा जाता है, ताकि उसने बिजनेस की कैपिटल को कम कर दिया, जो उसने पैसा लगाया है उसको कम कर दिया है। तो ये बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है। नेक्स्ट है मनी मेजरमेंट एजम्पशंस। मनी मेजरमेंट एजम्पशंस का मतलब है कि
only those items which can be measured in term of money will be recorded in the books of accounts. कि केवल वही लेन देन व्यावसायिक लेन देन जिन्हें मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है उसको हम books of accounts में record करते हैं. अब businessman कितना honestly काम कर रहा है, कितना hard worker है वो, कितना reliable है वो, that is irrelevant in the business. बिजनेस में सिर्फ बिजनेसमैन ने कितनी ड्राइंग्स की हैं, इम्प्लॉय कितने ईमानदारी से काम कर रहा है उसका बिजनेस में कोई लेना देना नहीं है. लेकिन उस इम्प्लॉय की ईमानदारी के बदले में बिजनेस ने जो उसको बोनस पे किया है, चाहे वो 1,000 रुपया है चाहे 2,000 रुपया है, तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाएगा. मतलब वही आइटम जिनको कि हम मुद्रा के रूप में माप सकते हैं उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है. द नेक्स्ट वन इज़ अकाउंटिंग पीरियड. उससे पहले मैं आपको कराती हूँ गोइंग कंसर्न कंसेप्ट. तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये कहता है कि बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड. कि जब हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं इट हैज़ इनडेफिनिट लाइफ. कि हम ये सोच के चलते हैं कि हमारा बिजनेस लंबे समय तक चलेगा, क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन ये नहीं चाहता कि आज जो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है वो कल बंद हो जाए. तो ये माना जाता है कि बिजनेस जो है वो लंबे समय तक चलता रहेगा. और इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली हमारी हमारे बिजनेस में जो फिक्स्ड एसेट्स होती हैं उस पर हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं. कि बिजनेस में ये जो लंबे समय तक चलेगा तो जो एसेट है उसको उसकी वैल्यू डे बाय डे कम होगी, तो हम उसको अपनी डेबिट साइड लिखते हैं, अपनी प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड लिखते हैं कि उससे हमें लॉस होने वाला है. तो मतलब इन नटशेल गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये कहता है कि बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम. तो इससे ही रिलेटेड है कि अगर अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट है तो वो कहता है कि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ने कहा कह दिया कि बिजनेस जो है लंबे समय तक चलेगा. अब अगर बिजनेस लंबे समय तक चलेगा तो क्या बिजनेस अपनी लाइफ में उसे क्या प्रॉफिट हो रहा है क्या लॉस हो रहा है उसको असर्टेन नहीं करेगा, उसको देखेगा नहीं? नहीं, उसको देखना पड़ेगा. तो बिजनेस ने अपनी लाइफ को 12 महीनों में डिवाइड कर लिया है. अब वो 12 महीने जो हैं वो 1 जनवरी टू 31 दिसंबर भी हो सकते हैं, दैट कैन बी फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, दैट कैन बी 1 अक्टूबर टू 30 सितंबर. तो कुछ भी हो सकते हैं. मतलब आप उसमें डिपेंड करता है, अगर आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप है और कंपनीज के केस में वो ऑलरेडी मेंशन है कंपनी लॉ में कि उसको जो 12 मंथ्स हैं दैट इज़ फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, कि मतलब इतने 12 महीने कर दिए. और इन केस अगर आपका बिजनेस बीच में स्टार्ट हुआ, सपोज आप नवरात्रि में शुरू करते हैं और नवरात्रि 1 अक्टूबर को आ रहे हैं, तो आपका जो फर्स्ट जो आपका पीरियड होगा दैट इज़ फ्रॉम फर्स्ट, और आप अकाउंटिंग ईयर क्लोज कर रहे हैं 31 मार्च को, तो दैट विल बी फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 31 मार्च. तो उसमें उस केस में अलग बात है, लेकिन मतलब इस एजम्पशन के अकॉर्डिंगली बिजनेस हैज़ डिवाइडेड इट्स लाइफ इनटू नंबर ऑफ ईयर, एंड दैट नंबर ऑफ ईयर कंसिस्ट ऑफ 12 मंथ, एंड दैट कैन बी फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, इट कैन बी फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, इट कैन बी फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 30 सेप्टेम्बर. सो द नेक्स्ट इज ड्यूअलिटी कंसेप्ट. ये हर एक ट्रांजेक्शन के डबल इफेक्ट रहते हैं, वन इज़ डेबिट एंड अदर वन इज़ क्रेडिट. और ड्यूल कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली ही अगर सपोज हम बिजनेस में किसी एसेट को खरीदते हैं, प्लांट को खरीदते हैं, अगर हमारे बिजनेस में प्लांट आया है तो डेफिनेटली हमारा कैश गया है. तो दो इफेक्ट हो गए, हमारे बिजनेस में से कैश चला गया वो कम हो गया, और प्लांट हमारे बिजनेस में आ गया. तो हर एक ट्रांजेक्शंस के टू फोल्ड इफेक्ट्स होते हैं, दैट इज डबल एंट्री कंसेप्ट. और इसी के अकॉर्डिंगली जो हमारी इक्वेशन है, अकाउंटिंग इक्वेशन है, उसको दिया गया. और आपको सभी को पता है कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल. अब नेक्स्ट है आपका मैचिंग कंसेप्ट. मैचिंग कंसेप्ट, अभी अभी मैंने आपको अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट कहा कि ये 12 मंथ्स का एक साल बना दिया गया है, और साल बनता ही 12 मंथ से है, लेकिन अकाउंट्स की जो बिजनेस है उसकी लाइफ को एक साल तक सीमित कर दिया गया है. तो एक पर्टिकुलर ईयर में एक इनकम को कमाने के लिए क्या एक्सपेंसेस हुई हैं उसको मैच किया जाता है. कि अगर हमारे हमने 1,000 रुपया कमाया है तो उसके लिए हमने कितना रुपया खर्च किया. सपोज़ 800 रुपया खर्च किया है तो हमारे पास जो इनकम हुई है वो 200 रुपया हुआ. यानी कि किसी पर्टिकुलर पीरियड में जो इनकम हमने कमाई है उसके लिए हमें कितना पैसा देना पड़ा है, कितनी एक्सपेंसेस देनी पड़ी हैं, उसको हम मैचिंग कंसेप्ट कहते हैं. यानी कि उसमें मैच करना है कि एक इनकम को कमाने के लिए हमें कितना एक्सपेंसेस किया गया है किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, तो उसको हम मैचिंग कंसेप्ट कहते हैं. नेक्स्ट है आपका रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट. अब रेवेन्यू रिकॉग्निशन का मतलब ये है कि हमारे बिजनेस में जब आय आ रही है तो उसको कम माना जाए,
उसका टाइम पीरियड कब होगा, कब उसको देखा जाए। तो इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली अगर एक जैसे एग्जांपल है कि अगर आपके बिजनेस में कोई सेल आपको ऑर्डर मिलता है 1 जुलाई को किन्हीं वस्तुओं के लिए अपने कस्टमर्स से, अब आपने ऑर्डर रिसीव किया 1 जुलाई को, अब आपने वस्तुएं भेज दी 15 अक्टूबर को और आपको जो पैसे आए दैट इज़ ऑन 30 अक्टूबर, तो क्या जब आपने वस्तुएं अपने कस्टमर से ऑर्डर रिसीव किया उसमें माना जाए कि आपने आय कमा ली है, या जब आपने वस्तुओं को डिस्पैच कर दिया तब माना जाए कि आपने आय कमा ली है, या फिर जब आपको पेमेंट रिसीव हुई है तब माना जाए कि आपने आय कमा ली है। अब 3 सिचुएशंस में यहाँ पे होता है, जब ऑर्डर हुआ तब हमने नहीं माना कि हमने आय कमा ली है, लेकिन जैसे ही एज सुन एज द गुड्स आर ट्रांसफर फ्रॉम योर बिजनेस टू द कस्टमर देन इट विल बी कंसीडर्ड कि दैट वी हैव अर्न द रेवेन्यू, हमने रेवेन्यू को अर्न कर लिया है, और चाहे हमें कैश मिला है चाहे हमने नहीं मिला है तो इसको हम कहते हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन। द नेक्स्ट वन इज़ हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल यही कहता है दैट इज़ रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट्स, कि फिक्स्ड एसेट्स को एक्वायर करने के लिए उसकी कॉस्ट क्या है, मतलब कौन सा कॉस्ट है विच बिकम द बेसिस ऑफ द अकाउंटिंग, कि मतलब एक एसेट जो है अकाउंटिंग में उसके लिए उसको एक्वायर करने के लिए क्या प्राइस आपने पे किया है, उसकी एक्विजिशन के लिए आपने क्या प्राइस पे किया है, और कौन सी प्राइस जो है विच बिकम द बेस फॉर द फ्यूचर फॉर द अकाउंटिंग पर्पस इन फ्यूचर। तो इस तरह की जो हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है। और आपको पता है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री जो आती है, जैसे कि वो एंट्री है कि परचेज मशीनरी फॉर ₹1 लाख, सपोज यू हैव परचेज अ मशीनरी फॉर ₹1 लाख एंड यू हैव पेड इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस ₹10,000 एंड यू हैव ऑल्सो पेड कैरेज ऑन मशीनरी दैट इज़ 500। तो अब एक लाख रुपये आपने मशीनरी परचेज की, 10,000 रुपये की आपने उस पर कैरेज दिया है और 500 रुपया आपने वेजेस पे की हैं, तो अब आपकी कॉस्ट कितनी है, क्या 1 लाख है या 1,10,000 है या 1,10,500 है। तो इसमें जब तक मशीनरी को उसकी वर्किंग पोजीशन तक पहुंचाने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं वो मशीनरी की कॉस्ट में ऐड कर दिए जाते हैं। डेफिनेटली मशीनरी को पहुंचाने वर्किंग कंडीशन तक लाने के लिए बहुत से खर्चे किए जाएंगे, तो आपके टोटल जो एक्सपेंसेस होंगे 1 लाख प्लस 10,000 जो आपने कैरिज के लिए पे किया, 500 रुपये जो वेजेस के लिए पे किया, वो सारा ऐड हो जाएगा और आपका टोटल खर्चा होगा 1,10,500 एंड दिस 1,10,500 बिकम द बेस फॉर द फ्यूचर इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द डेप्रिशिएशन ऑफ ऑन योर एसेट। और ये 1,10,500 जो है आपका बेस बना देता है जहाँ पे आप डेप्रिशिएशन को चार्ज करेंगे और आप उस आप अपनी एसेट्स को उसकी बुक वैल्यू का मतलब होता है कॉस्ट वैल्यू पे हुआ 1,10,500, लेकिन अब आप उस पर एट द एंड ऑफ द ईयर आप उस पर डेप्रिशिएशन को माइनस कर देंगे, जितनी भी डेप्रिशिएशन, सपोज उसमें 1,000 रुपया डेप्रिशिएशन लग गया तो उसको 1,10,500 में से आप 1,000 माइनस कर देंगे और बाकी रेस्ट अमाउंट विल बी शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। देन मैचिंग प्रिंसिपल रॉन्गली टाइप्ड इन योर स्लाइड। द नेक्स्ट वन इज़ ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल। देन ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल्स मीन्स द अकाउंटिंग डेटा शुड बी डेफिनेट, वेरीफाइबल एंड फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस ऑफ द अकाउंटेंट, कि जितना भी आपका फाइनेंशियल डाटा है वो डेफिनेट होना चाहिए, बिल्कुल सुनिश्चित होना चाहिए, वो वेरीफाइबल होना चाहिए कि कोई भी उसको वेरीफाई कर ले, और साथ ही साथ जो अकाउंटेंट तैयार कर रहा है उसका व्यक्तिगत उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, बायसनेस नहीं होनी चाहिए। तो ये ऑब्जेक्टिविटी का प्रिंसिपल है और ऑब्जेक्टिविटी का प्रिंसिपल ये कहता है कि एनी ट्रांजेक्शन विच इज़ रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट शुड हैव अ प्रॉपर डॉक्यूमेंट, कि जो भी ट्रांजेक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड की जा रही है उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। अब ये प्रॉपर डॉक्यूमेंट जो है वो कैसे होता है, जो हमारे वाउचर्स होते हैं, जो हमारे बिल्स होते हैं, जो हमारी कैश मेमोज हैं, जो इनवॉइसेस हैं, वो हमारे एक हमारे सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें ये कहते हैं कि हम किसी ट्रांजेक्शन को गलत नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पे क्या है जैसा आपका अमाउंट दिखाया गया है वैसे ही आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है। तो दिस इज़ ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल, मीन्स कि हमारा जो
जितना भी फाइनेंशियल डाटा है वो रिलायबल होना चाहिए, वो क्रेडिबल होना चाहिए, वो डेफिनेट होना चाहिए कि आप उसको बिल्कुल अच्छे से प्रेजेंट कर सकें। तो जो हमारे जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स थे, तो हमने अभी किया अकाउंटिंग एंटिटी कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, ड्यूअलिटी कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल एंड ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल। द नेक्स्ट इज योर कन्वेंशन ऑफ अकाउंटिंग की इस कुछ कन्वेंशंस भी हैं जो हमारे अकाउंट्स में डील करती हैं, जैसे कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोज़र। तो कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोज़र कहता है पूर्ण प्रकटीकरण का सिद्धांत कि ईच एंड एवरी आइटम विल बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ईच एंड एवरी रेलिवेंट आइटम विल बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, कि जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ट्रांजेक्शन्स प्रभावित करती हैं उन ट्रांजेक्शन्स को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाना ज़रूरी होता है। इसी तरह इसी के अकॉर्डिंगली कुछ कंटीजेंट लाइबिलिटी हैं। कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं? जो लाइबिलिटी हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। जैसे कि फ्यूचर में मान लो कंटीजेंट लाइबिलिटी मतलब किसी कस्टमर है, कस्टमर से हमने सामान लिया, सप्लायर से हमने सामान लिया और सामान लेने के बाद जैसा हमने ऑर्डर किया था वैसे उसने हमें गुड्स नहीं दी। अब हमने क्या किया, उस सप्लायर को गुड्स को वापस कर दिया, लेकिन सप्लायर ने क्या किया, उसने बोला कि आपने गुड्स वापस कर दी लेकिन अब आपने पैसा कम दिया है। अब वो इसके लिए वो कोर्ट में चला जाता है। हम अपना पक्ष रखते हैं कि हमारी जो जो गुड्स थी वो आई नहीं तो हमने पैसा क्या देना था, और वो कहता है कि इन्होंने कुछ भी पैसा नहीं दिया। तो अब ये लाइबिलिटी कोर्ट का क्या डिसीज़न आता है, हमारी फेवर में आता है या उनकी फेवर में? अगर उसकी फेवर में आता है तो वो हमारी लाइबिलिटी बन जाएगी, तो वो हमें पैसा देना ही पड़ेगा। दैट इज़ कंटीजेंट लाइबिलिटी। इट कैन बी लाइबिलिटी और इट कैन नॉट बी अ लाइबिलिटी। उसको भी आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एज अ फुट नोट दिखाते हो। कंटीजेंट लाइबिलिटीज आर ऑलवेज शोन इन द फुट नोट्स, कि फुट नोट्स में आप दिखाते हो और बताते हो कि किस तरह, मतलब पूर्ण प्रकटीकरण हर एक, इसी के तहत जो है आपने कभी ट्रेड डिस्काउंट की ट्रांजेक्शन की होगी, और ट्रेड डिस्काउंट को आपने हमेशा पढ़ा होगा कि ट्रेड डिस्काउंट इज़ नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। लेकिन साथ साथ ये भी कहा जाता है कि जब नरेशन लिखनी है तो उसमें ट्रेड डिस्काउंट को कैलकुलेट करके आपने ज़रूर बताना है, क्योंकि वो हमें प्रॉपरली बताता है, उससे हमारा फुल डिस्क्लोज़र का कंसेप्ट जो है वो वायलेट नहीं होता है। मतलब नरेशन में आप ट्रेड डिस्काउंट को हमेशा ही शो करते हैं। तो पूर्ण प्रकटीकरण मतलब कोई भी चीज़ को आपने छुपाना नहीं है। नेक्स्ट इज़ कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज़म। तो रूढ़िवादिता का सिद्धांत यही कहता है कि आने वाले समय में जो संभावित लाभ हैं उनकी तरफ आप ध्यान नहीं देंगे, लेकिन संभावित हानियों को आप ध्यान में रखेंगे। और इन्हीं संभावित हानियों को ध्यान में रखते हुए आप क्या करते हो, आप प्रोविजंस क्रिएट करते हो, बिजनेस में रिजर्व्स क्रिएट करते हो। जैसे आपने पढ़ा ही होगा रिजर्व फॉर प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स, कि आपने उधार में माल बेच दिया, आपके डेटर्स क्रिएट हो गए हैं, अब वो डेटर्स हमें पैसा देंगे या नहीं देंगे, तो हम पहले ही प्रोविज़न बना के रखते हैं कि शायद वो हमें पैसा ना दें तो हम अपने बिज़नेस के प्रॉफिट से थोड़ा प्रोविज़न क्रिएट कर देंगे कि हमारे बिज़नेस को फिर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, रिजर्व फॉर डेप्रिसिएशन। तो ये कंजर्वेटिव, कंजर्व करना मतलब संरक्षित करना, संरक्षित करना का मतलब है कि थोड़ा थोड़ा पैसा हम अपने बिज़नेस से निकालते चलते हैं, प्रोविजंस बनाते चलते हैं, ताकि हमारा कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म जो है उसका कंसेप्ट वायलेट ना हो। नेक्स्ट है आपका कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब है एक ही तरह निरंतर चलते रहना, मतलब एक ही तरह के रूल्स, एक ही तरह के मेथड्स जो हैं आप फॉलो करेंगे। तो इसी के अकॉर्डिंगली अगर डेप्रिसिएशन के जैसे 8 मेथड्स हैं, अगर आपने स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ किया तो आप हर साल उसको ही यूज़ करेंगे, ताकि आपके जो अकाउंट्स हैं वो कंपेरेबल बन सकें, जो कंपेरिजन है आप उसको कर सको। तो कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म में हमने पूर्ण प्रकटीकरण का सिद्धांत, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, रूढ़िवादिता का सिद्धांत एंड कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी हमने किया। तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में ये कुछ कन्वेंशन थे, कुछ कंसेप्ट थे, कुछ प्रिंसिपल्स थे, वो मैंने आपको आज बताए हैं। तो आज हमने किया बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इट्स प्रिंसिपल, इट्स कंसेप्ट एंड कन्वेंशन। Thank you so much for listening to this. Thank you.